हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिलमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज हेयर की सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूं। और प्रॉब्लम कौन कौन सी है वो है कि जिनको भी हेयर प्रॉब्लम है, जिनको भी बाल्डनेस यानी गंजनपन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और जिनको भी जो है अपने बालों के हेयर ग्रोथ यानी लंबे करने हैं। और बहुत अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल भी पैसे लगने वाले नहीं है। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है उसी से है। और ये रेमेडी मुझे मेरी सिस्टर ने बताई थी, और उनको जो भी मेरी कजन सिस्टर है मुझे मेरी सिस्टर रिया सिस्टर ने बताई थी। लेकिन जो कजन सिस्टर है उनको प्रॉब्लम थी कि यहाँ यहाँ से उनके बाल जा रहे थे। तो जब उन्होंने इस रेमेडी को ट्राई किया और उनको ट्राई करते हुए 1 से 1.5 महीने हो गए, और उनके बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी लगने लगे हैं, यहाँ से बाल आना स्टार्ट हो गए हैं। और सच में अगर आप इस रेमेडी को पूरे अच्छे से लगाएंगे, मैं बताऊंगी कि आपको इसे कैसे बनाना है, देन आपको कितने दिन पे ये अप्लाई करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा जो प्लांट होता है उसकी स्टिक्स लेनी है, और इसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट रख देना है ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है और डस्ट फॉर्म है वो अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद आपको इसे जो इसके एजेस हैं कट करना है ताकि वो आपके हाथ में बिल्कुल भी ना लगे, और इसका पल्प जो है वो सेपरेट करना है। फ्रेंड्स, अगर हम घरेलू उपयोग की बात करें तो जो एलोवेरा है वो सबसे बेहतर माना गया है। इसमें प्रचुर मात्रा में अमीनो एसिड एंड पोट्रियोलिक एंजाइम होता है जो बालों की जड़ों को स्वस्थ बनाकर बालों को बढ़ने में मदद करता है। एलोवेरा में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुड़ जो है वो डैंड्रफ को बहुत अच्छे से कम करने में जो है बहुत अच्छे से मदद करता है, क्योंकि ठंड है, आप सबको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही होगी। और इसके कुछ और फ़ायदे भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बेशक बताना पसंद करूंगी, ताकि आप लोग भी, अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट नहीं है तो आप लगाएं। एलोवेरा से बालों को बढ़ने में भी बहुत मदद मिलती है, एलोवेरा से डैंड्रफ कम होता है, एलोवेरा जो है वो हमें स्कैल्प में है नमी प्रदान करती है, और एलोवेरा जो है बालों को फिर से उगाने में हेल्प करती है। इससे हमारे स्कैल्प की खुजली भी कम होती है और बालों की जो है चिपचिपाहट भी कम होती है। तो इतने सारे गुण इसके हैं, फेस के भी बहुत सारे जो है इसके गुण हैं। तो आपको भी अपने घर में प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, और जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से पल्प निकालिएगा ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और आपके हाथ में जो है नाइफ ना लगे। ये पैक मैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ, सिर्फ आपको स्कैल्प पे लगाना है तो इसलिए थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में लीजिएगा, पूरे बालों में आपको नहीं लगाना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ प्याज। आई थिंक आप सब जानते हैं कि बाल्डनेस का इलाज, गंजेपन का इलाज प्याज से बेहतर कुछ भी नहीं कर सकता है। और प्याज इसलिए क्योंकि इसमें सल्फर होता है, और ये एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें होती है जो हमारे स्कैल्प पे संक्रमण यानी बैक्टीरिया को होने से रोकता है, और जहाँ भी बैक्टीरिया हो जाएगा उस जगह की ग्रोथ हमारी रुक जाती है। इसीलिए आपको प्याज का इस्तेमाल करना है ताकि वो वहाँ के संक्रमण को रोके, आपको नए बाल दे, और जो है बाल्डनेस यानी गंजापन बंद होने लगे, और बालों को जो है वो उगने में भी काफ़ी हेल्प करे, नए बाल वहाँ से आना स्टार्ट हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपका हेयर फॉल भी रुके। तो ये पैक रेडी है पूरी तरह से। अब आपको इसे क्या करना है, छानना है। हमें इसका जूस चाहिए, हमें इसका जो है पेस्ट नहीं चाहिए। जूस लेने के बाद आपको रुई से इसे अपने स्कैल्प पे लगाना है, पूरी स्कैल्प पे, बालों पे नहीं अप्लाई करना है। उसके बाद इसे आधा घंटा रखना है, देन बालों को टैप वाटर से, यानी ना ही ठंडा ना ही गर्म, टैप वाटर से आपको वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 दिन लगाना है, बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 महीने में आपको जो इसका इफ़ेक्ट है वो दिखने लगेगा। Our souls begin to intertwine, your heart of gold so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire, a heart of gold forged to inspire, it's starfire. तो फ्रेंड्स, आप
आपने देखा कितना इजी और कितना मतलब सस्ती रेमेडी, सस्ती क्या, हर किसी के घर में मिल जाता है, प्याज मिल जाता है, एलोवेरा। आपके घर में नहीं है तो दूसरे के घर में, अगर पड़ोसी के घर में देखेंगे तो बहुत सारा एलोवेरा लगा होगा, जस्ट तोड़ के आपको लगाना है। और इसे आपको वीक में हो सके तो दो बार लगाइए, मतलब दो बार आपको लगाना ही लगाना है। इस तरह से क्या होगा कि जो आपका बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ होगी, आपके जो गंजापन है वो भी जाएगा और नए हेयर्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ट्राई जरूर करिएगा इस रेमेडी को। इसका जो भी रिव्यू हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।